लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, कई दिन बीत चुके हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार का गठन हो चुका है। कैबिनेट ने कार्यभार भी संभाल लिया और अब स्टेट लेवल पर चुनाव नतीजों की समीक्षा का दौर शुरू हो गया। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी की स्टेट यूनिट ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की, उसके लिए बैठक बुलाई। बैठक में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के विस्तारकों को बुलाया गया था, उनकी राय ली गई। इस बैठक में वो सीटें फोकस में थी जहां बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवारों को शिशकश का सामना करना पड़ा। बैठक के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में एनडीए का भविष्य और स्वरूप कैसा होगा। सवाल गठबंधन धर्म पर भी उठने लगे, खास करके नीतीश कुमार को लेकर के। वो इसलिए क्योंकि मगध और भोजपुर की क्षेत्र की 6 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में बिहार की 8 सीटों पर 1 जून को वोट डाले गए थे। इनमें से 6 सीटों पर एनडीए को हार मिली। यहाँ 4 सीटों से बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में थे। आरा, बक्सर, पाटलिपुत्र और सासाराम। बीजेपी की समीक्षा बैठक में पार्टी के विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के प्रचारकों ने सहयोगी दलों के वोट पार्टी उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं होने की बात कही। और साथ ही ये भी जोड़ दिया, विशेषकर जेडीयू को लेकर के, कि जेडीयू का वोट बेस लवकुश यानी कुर्मी कोयली वोट बैंक ही रहा है। इन वर्गों के वोट को लेकर नीतीश कुमार की ओर उंगली उठी तो बचाव में आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी खुलकर उतर आए। जिन सीटों पर एनडीए उम्मीदवार हारे, खुद उपेंद्र कुशवाहा की सीट काराकाट भी उनमें शामिल है। काराकाट में भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता पवन सिंह के मैदान में उतरने से उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हुआ और वो न सिर्फ हारे बल्कि तीसरे स्थान पर रहे। काराकाट से आरजेडी उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा जीत गए। उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं के करबद्ध निवेदन है कि ऐसी खबरों को पब्लिक डोमेन में जाने से रोके। इस तरह की खबरें आपस में कटुता बना बढ़ा सकती है, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति को जन्म दे सकती है। चुनाव परिणाम की समीक्षा जरूरी, लेकिन ये एनडीए का आंतरिक मामला है। बीजेपी के मंथन में जो बातें निकली, पहली नजर में भले ही वो नीतीश कुमार की ओर इशारा लगे, लेकिन बात बढ़ी तो उसकी जद में उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी दोनों खुद उसी कोयली बिरादरी से आते हैं जो जेडीयू के लवकुश समीकरण का कुश है। एक पहलू ये भी है कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू को भी 2019 के मुकाबले 4 सीटों का नुकसान हुआ। पिछले चुनाव में 16 सीटें जीतने वाली पार्टी इस बार 12 ही जीत सकी। बीजेपी अगर जेडीयू के वोट ट्रांसफर को बेस बनाकर नीतीश को घेरती तो बिहार में सरकार की अगुवाई कर रही पार्टी के पास भी काउंटर अटैक का आधार है। अब बिहार में बीजेपी के इस तरह के परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।